प्रथम तहलका न्यूज। थाना सेक्टर 65 गुरुग्राम में कार में अपने साथी के साथ सवार युवती की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया था। बता दें कि 3 नवंबर को अपने साथी के साथ कार में सवार युवती लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी और जैसे ही दोनों वाटिका चौक पर पहुंचे तो 3 युवकों द्वारा लूटपाट करने की नीयत से कार को रोक लिया गया और उनके द्वारा कार का शीशा खोलने के लिए कहा गया, लेकिन जब इन्होंने शीशा नहीं खोला तो आरोपियों ने इन पर गोली दाग दी जिससे कार में सवार युवती घायल हो गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद युवती के साथी सागर मनचंदा ने पुलिस को बताया कि वह अपनी 26 साल की दोस्त को अपने फ्लैट दिखाकर करेटा गाड़ी में वापस सेक्टर 40 जा रहे थे। जब ये एक्सटेंशन रोड की तरफ चले तो एक्सटेंशन रोड से करीब 50 मीटर पहले ही 3 बाइक सवार युवकों ने जबरदस्ती इनकी कार रुकवाकर खिड़की खोलने की कोशिश की। जब इन्होंने खिड़की का दरवाजा नहीं खोला तो उनकी दोस्त पर उन्होंने गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। 2-3 नवंबर की बात है, उस दिन एक लड़की और एक लड़का रात को एक अपनी गाड़ी में सवार होके SPR रोड पे जा रहे थे और उसके बाद जब वो वाटिका चौक से आगे जाके और एक अपनी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी उसको देखने के लिए वहाँ गए तो वहाँ से वापस आते हुए 3 मोटरसाइकिल सवारों ने उनको रोक लिया, उनसे शीशे खोलने के लिए कहा, उन्होंने नहीं खोले तो उन पर गोली चला दी और इस इंसिडेंट में एक लड़की जो उसके साथ थी लड़के के वो वहाँ पे घायल हो गई, जिसको उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और दौरान इलाज 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई, जिसके संबंध में वहाँ पे सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें बाद में 302 सेक्शन ऐड की गई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 40 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गुणपाल के नेतृत्व में बड़ी मेहनत से काम किया। बड़ा ब्लाइंड केस था ये, इसमें कोई क्लू था नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ काम करते हुए उसकी खोजबीन करके और उसमें शामिल जो 3 अपराधी थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। कल हमने उनको अरेस्ट कर लिया है, जिसमें 3 जो अपराधी शामिल थे इनके नाम इरशाद और गोलू हरिओम और जितेंद्र यादव हैं। ये 3 अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, लेकिन प्रेजेंटली ये गुड़गांव में ही रह रहे थे और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि दिवाली वाले दिन गांधी कॉलोनी में जो मर्डर हुआ था वो उसको भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। और भी इन्होंने बताया कि हम पहले से ही मोबाइल छीना जप्टी का काम करते आ रहे हैं और हमने गुड़गांव से 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दे रखा है। एक औरत का भी पीछे इन्होंने फ़ोन छीना था और उससे भी ये फ़ोन करके ये धमकी देके कि इसमें जो फोटो है इनको हम आपकी को वायरल कर देंगे वरना 10 लाख रुपए दो, वो भी केस इनके द्वारा ही किया गया था, वो भी पूछताछ में इन्होंने बात बताई है। और भी कई जानकारियां इनसे हमें मिली हैं जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं, उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और एक इनसे गाड़ी बरामद हुई है और बाकी जो वारदात में जो वेपन और वो शामिल थे मोटरसाइकिल वो हम ड्यूरिंग पुलिस रिमांड इनसे बरामद करेंगे। सागर घायल युवती को इलाज के लिए मेदांता अस्पताल ले गया और परिजनों को इस बारे में सूचना दी, लेकिन इलाज के दौरान पूजा की मौत हो गई, जिसके बाद वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई और पुलिस की टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को भोंडसी से काबू कर लिया है। गांधीनगर का जो मर्डर हुआ है वो इनका ही दोस्त था, वहाँ ये शराब पीने के लिए गए थे और उसमें इनका कहना ये है कि वहाँ हमारी उसमें तूतू में उससे होगी शराब पीते हुए और हमने गोली मार दी। हाँ जी, ना ऐसा नहीं था, वो जो लड़का मरा है वो इस वारदात में शामिल नहीं था। सर अगर हीनियस क्राइम की बात करें कितने मुकदमे इनके ऊपर हैं, हीनियस क्राइम के मर्डर जैसे वो मामले और स्नैचिंग के, तो आप सबसे ज्यादा बताइए। इनके ऊपर 2 तो ये मर्डर के अभी के हैं और जो ये लड़का है जितेंद्र यादव इसके ऊपर पहले से लूटपाट के मुकदमे दर्ज हैं और लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हैं।
बाकियों की भी हम हिस्ट्री निकाल रहे हैं और उसमें उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पता किया। सर आपने बताया कि 100 से ज्यादा मोबाइल इन्होंने लूटे हैं, कौन कौन से इलाकों को टारगेट करते थे सर? ये ज्यादातर SPR रोड को, राजीव चौक, इफको चौक, बस अड्डा और भी शहर के जो बाकी इलाके हैं जहाँ पे भी इनको इस तरह की शिकार मिल जाते थे वहीं से ये वारदात करते थे। दरअसल थाना सेक्टर 65 गुरुग्राम में कार में सवार अपने साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रही युवती की गोली मारकर हत्या करने और थाना शिवजी नगर गुरुग्राम के एरिया गांधीनगर में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने की वारदातों को अंजाम देने तथा छीना झपटी लूटपाट हथियार के बल पर लूट की लगभग 100 वारदातों को अंजाम देने वाले 3 कुख्यात बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हालांकि पुलिस अभी भी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और इस दौरान आरोपियों से और भी कई खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों से क्या क्या खुलासे हो पाते हैं। प्रथम तहलका के लिए गुरुग्राम से मन्नू मेहता की रिपोर्ट।